हेलो दोस्तों, सलाम नमस्ते। आज फिर से एक बार मैं आपके लिए कुछ इंग्लिश वाली चीज़ें लाया हूँ जिससे आप कुछ सीख सकते हैं। आज मैं लाया हूँ आपके लिए प्रेपोजिशंस। जब भी हम लोग कुछ काम करते हैं, वो काम कहीं ना कहीं करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, कुछ चीज़ें रख देते हैं कभी ऊपर कभी नीचे, तो वो भी बताना ज़रूरी है। वो क्यों बताना ज़रूरी है कि भाई मैंने किताब रखी, अब कहाँ रखी मैं तुमको बताना पड़ेगा। तो टेबल पर रखी है, टेबल के नीचे रखी, मैंने गाड़ी के अंदर रखी, गाड़ी के अंदर मैं बैठ रहा हूँ, गाड़ी से बाहर निकल रहा हूँ, समझ गए। तो मैं कुछ सिर्फ इस्तेमाल करूँगा। आपको और कुछ सीखना है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछना मुझे, मैं आपको एक अलग वीडियो बनाकर या कमेंट्स में ही आपको उसका जवाब दे दूँगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक। चलो शुरू करते हैं। ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का। अगर मैं एकदम सिंपल उदाहरण दूं आपको तो दिस टेबल इज ऑफ सलमान, ठीक है, ये टेबल सलमान का है। याद रखना ये चीज, हम दूसरी जगह तरीके से भी बोलते हैं इज सलमान्स टेबल। तो ज्यादातर के हम लोग किसी के चीज होगी तो हम लोग अपोस्ट्रोफी एस लगा करके काम चला लेते हैं। जैसे कि दिस मिरर, मिरर का मतलब आईना, दिस मिरर इज ऑफ दैट कार, ये आईना वो गाड़ी का है। दिस स्टीयरिंग इज ऑफ दैट कार, ये स्टीयरिंग वो गाड़ी की है। हाँ, तो चीजों के लिए भी हम ऑफ इस्तेमाल करते हैं। दिस हेडसेट इज ऑफ दैट कैमरा, वो कैमरा का ये हेडसेट है। ऑफ और तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये पिज्ज़ा एक्स वाई जेड कंपनी का है। जैसे तुमको मालूम है, आप लोग ऑर्डर करते हैं, दिस पिज्ज़ा इज ऑफ एक्स वाई जेड कंपनी। आगे चल के हमारे पास है फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है कहीं से तुम आ रहे हो या कहीं का है। जैसे कि मैं आई एम फ्रॉम मुंबई, यू आर फ्रॉम दिल्ली, या यू आर फ्रॉम चेन्नई, या यू आर फ्रॉम हैदराबाद, जो भी है, यू आर फ्रॉम पुणे। दिस टेबल इज फ्रॉम दैट रूम, ये टेबल वो रूम का है, वहां से लाया है। दिस बुक इज फ्रॉम द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी की किताब है, ये लाइब्रेरी से लाई गई है। तो फ्रॉम से के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बुक लाइब्रेरी से है, उसके पास से है, उससे है, वहां से है। फ्रॉम, आई केम फ्रॉम दुबई, मैं दुबई से आया, वापस से आ गए यहां पर। दिस टायर इज फ्रॉम दैट कार, ये टायर ये उस गाड़ी से आई है। तो ऐसे ही फ्रॉम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टू यानी कि जा रहा हूं उस तरफ, तरफ जाना या टू एक ही बात है। आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू दुबई, आई एम गोइंग टू ईट दिस एप्पल। तो कुछ करने जा रहे हो तो गोइंग टू जरूर इस्तेमाल करना। इन यानी कि मैं, पुट दिस इन द बॉक्स, ये डब्बे में डाल दो। इन का मतलब अंदर भी होता है, मैं भी होता है। पुट दिस इन द बॉक्स, आई एम सिटिंग इन द कार, मैं गाड़ी के अंदर हूं। ही इज इन द क्लास, वो क्लास में है। आई एम इन द क्लास, मैं क्लास में हूं। शी इज इन हर रूम, वो अपने रूम में है। यू आर इन टाइम, यू आर ऑन टाइम भी बोलते हैं, यू आर इन टाइम, यानी तुम वक्त में आ गए। ऑन यानी पर, ये किताब उस टेबल पर है। दिस बुक इज ऑन दैट टेबल। द बॉटल इज ऑन द सोफा, आई एम सिटिंग ऑन द चेयर। यू आर ऑन टाइम, तुम टाइम पर पहुंच गए। तो पर के लिए या ऊपर के लिए, पर या ऊपर इज ऑन, जगह की बात चल रही है तो पर, टेबल पर, कुर्सी पर, है तुम पर, मुझ पर। दिस इज ऑन यू, कुछ काम हो गया और तुमने, तुम्हारे उसका श्रेय तुम्हारे को मिलना चाहिए। दिस इज ऑन यू, दिस इज ऑन मी। कभी कभी हम बात करते हैं कि मैं ट्रीट दूंगा, तो ट्रीट इज ऑन यू, ट्रीट तुम पर है, आज तुम ट्रीट देने वाले हो।
और नीचे यानी कि अंडर, तो माई बैग इज अंडर द टेबल, टेबल के नीचे मेरा बैग है. योर कार इज अंडर द ट्री, वो झाड़ के नीचे वो कार है. बस इतना ही आज के लिए. थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, एन्जॉय करो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना. थैंक यू.